लॉकडाउन में ढील देने के बाद दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है, जिसके तहत नगर निगम दफ्तर में भी कामकाज शुरू हुआ। हालांकि इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक की वजह से आम लोगों का कोई भी काम नहीं हो सका। इस दौरान अधिकारियों कर्मचारी अपने अपने दफ्तर में बैठे हुए नजर आए। सोमवार को नगर निगम के सभी अधिकारी सुबह 10 बजे कार्यालय पहुँच गए और अपना कामकाज शुरू किया। नगर निगम के 30% कर्मचारियों के ही आने की कार्यालय में व्यवस्था की गई थी, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन से भी नगर निगम का काम पूर्व की तरह चल रहा है। सभी अधिकारी रोजाना कार्यालय आते रहे हैं, क्लर्क भी आते हैं, अब रोस्टर बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरी निर्माण कार्य फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर शुरू कराए जाएंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि हो सके तो अधिक से अधिक की कार्य ऑनलाइन किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, अपॉइंटमेंट है मुख्य कार्यालय। क्या काम होता है इसमें? यहाँ लेटर पब्लिक देती है, नाली निर्माण, सड़क निर्माण। तो अभी तक बंद था कि चल रहा था काम? इसके पहले ऑफिस क्लोज थी तो बंद थी, लेकिन वैसे काम हो रहा था अधिकारी लेवल पे, ऑफिस सर से। अभी खुला हुआ है तो लेटर आ रहा है, डीएम यहाँ से सदर से आ रहा है लेटर। उसके पहले जो लॉकडाउन लगा तो नहीं आ रहा था? उस टाइम आता था, लेकिन ऑफिसर लोगों के पास आता था। आप लोग नहीं आते थे? नहीं, हम लोग छुट्टी पे थे तो हम लोग घर पे रहते थे। आज से आए हैं? हाँ जी, हाँ आज से हम लोग ज्वाइन किए हैं ऑफिस। आज से काम स्टार्ट हुआ है यहाँ का और लेटर भी आ रहे हैं। तो ड्यूटी आए हैं तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? नहीं नहीं, कोई पासपोर्ट चेक किया गया? आई कार्ड था हमारे पास, किसी ने कोई रोका नहीं। क्या नाम आपका? नीलू गौतम। आज से अन्य ऑफिस के काम भी रूटीन वे में चलेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर टैक्स जमा करना कोई चाहे, लेकिन मेरा अनुरोध ये रहेगा सभी शहर के सम्मानित निवासियों से ज़्यादा अपना काम ऑनलाइन करें। हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और कर अदायगी सबकी व्यवस्था ऑनलाइन है, तो कृपया ऑनलाइन ही काम करें। ये उनके हेल्थ के लिए, लॉकडाउन के लिए और सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।